हे गाइस, वेलकम बैक टू इन उर्दू। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको किस तरह ओपन कर सकते हैं, और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। तो आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो सभी विंडोज़ पर काम करेगा, चाहे आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है या फिर विंडोज़ 10। तो आप आसानी से अपने कंप्यूटर का पासवर्ड ओपन कर सकते हैं और बगैर किसी विंडो इंस्टॉलेशन के। विंडो इंस्टॉल करने से आपका कंप्यूटर का लॉक तो रिमूव हो जाता है, मगर ये टाइम कंज्यूमिंग है और इससे अगर आपके डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में कुछ डाटा पड़ा है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो कौन बूट की मदद से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक USB चाहिए और एक दूसरा कंप्यूटर। आप अपने फ्रेंड का कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। USB ड्राइव को कंप्यूटर के साथ अटैच करें। तो इसके बाद परचेज ईमेल और TX ID को एंटर करें जो आपको ईमेल में मिलेगी। इसके बाद यहाँ से USB ड्राइव को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल टू USB स्टिक पर क्लिक कर दें। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट लेगा। और एक बात आप नोट कर लें, इसके साथ आपने सोनी या किंगस्टन की USB को अटैच करना है जो कि किसी ब्रांड की हो। तो कौन बोर्ड हमारे USB में इंस्टॉल हो चुका है। अब USB को कंप्यूटर के साथ से अनप्लग कर लें और जो कंप्यूटर लॉक है जिसका पासवर्ड हम रिमूव करना चाहते हैं उसके साथ अटैच करें, और कंप्यूटर को ऑन करके USB को फर्स्ट ऑप्शन पर कर दें, बूट ऑर्डर में जाकर या फिर BIOS को ओपन करके। इसके लिए आप F2 या F9 प्रेस करेंगे और USB को फर्स्ट पर कर दें। यहाँ से करंट वर्जन को सिलेक्ट करके एंटर कर दें और कंप्यूटर USB से बूट होकर ऑन होगा और आपके पास कौन बोर्ड का इस तरह से लोगो आएगा। इसके बाद जब लॉगिन स्क्रीन है इसमें आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर दें या इसको ब्लैंक रहने दें और एंटर प्रेस कर दें। आपका कंप्यूटर बगैर किसी पासवर्ड के ओपन हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए आपको इसे बाय करना होगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।